We have one last question from... organization of the same thinking, and that is creating a village of disciplined community. If we know all of Pakistan, we should have only one organization. We should represent all walks of life, every single Pakistani on the lower mainland. Pakistan is a vulnerable area. Community can support me because if you are the division, you are still Pakistan. I will tell individual low heaven kind of your update here that the thing of the take around it. They should be done through community, not from personal pocket. So it's another organization. This is what we need to do. We need to bring everybody under one umbrella and then basically work together as a team and then promote our community. Just maybe your own community and your Indian East Indian, they're very strong. And we have a huge community and in Surrey, but we're not united. And that is why we're suffering. We don't have any representation, proper representation. इनका कहना ये है कि अगर पूरी कम्युनिटी साथ हो, दूसरी एसोसिएशन भी, पूरी कम्युनिटी से मुराद यही हो जाती है, मेनली जो हमारे पास एसोसिएशन हैं वो दो हैं, तो दूसरी एसोसिएशन को भी अगर ऑन बोर्ड लिया जाए उसमें, तो ये बेहतर नहीं है कि हम पाकिस्तान हाउस की जो जो हमारे मसाइल हैं, जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उनको हम ईजिली ओवरकम कर सकते हैं और कम्युनिटी उसमें अपनी इनपुट दे सकती है, कम्युनिटी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है फंड्स की जनरेशन की। जो पाकिस्तान हाउस है वो कम्युनिटी का, वो किसी एक इंसान का तो है नहीं, ना ही किसी एसोसिएशन का। लीगल इश्यूज के लिए तो चले हमें नाम डालना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि हमने किसी हजारों लोगों को उनका नाम नहीं डालने देंगे, तो नाम डालने के लिए तो पाकिस्तान कैनेडा एसोसिएशन ने इनिशिएटिव लिया है और खरीदा है। पाकिस्तान कैनेडा एसोसिएशन माशाल्लाह हर महीने उसकी किस्त भी दे रही है लोगों की मदद से। मगर जब कम्युनिटी को समझ आ जाए कि ये हमारा घर है, हम यहाँ पे जा सकते हैं और हम कहते हैं ओपनली कि भाई ये मेरा घर नहीं है, ये रजा का नहीं है, ये कैनी साहब का नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये सारी कम्युनिटी का है। अगर कम्युनिटी ये समझे कि इसकी ज़रूरत है, तो फिर कम्युनिटी को चाहिए कि हमारी मदद करे, आके पैसे दे। ये समझना चाहिए हमें कि बाहर से किसी ने आके हमारी मदद नहीं करनी, और ना ही हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तानी पे करें, ये पाकिस्तानियों का कम्युनिटी सेंटर है, ताकि बाहर की कोई, हम गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं ग्रांट्स, हम नहीं लेते। इसलिए नहीं लेते कि हमें बड़ा बड़ा गरूर है इसके ऊपर, बड़ा तकब्बुर है इस बात का कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपनी चीज़ ली और पाकिस्तानी कम्युनिटी खुद पे करेगी। तो पाकिस्तान कैनेडा एसोसिएशन या कल्चरल एसोसिएशन या मुस्लिम एसोसिएशन जो भी उसमें हिस्सा डालना चाहते हैं, हम किसी को रोकते नहीं हैं। ज़रूर आए, जिस वक्त मर्जी है, उनका अपना घर है। फरक साहब, आज ऑन कैमरा आप, मुझे बड़ी फख्र है, मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारे सामने दोनों एसोसिएशन के नुमाइंदे बैठे हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि पहला प्रोग्राम हम घर से शुरू कर रहे हैं और जिस तरफ हम जा रहे हैं वो बड़ी खूबसूरत एंडिंग है, जो मैं सोचता था कि ये होनी चाहिए। ऑन कैमरा क्या आज आप दावत देंगे PCCA के प्रेसिडेंट को कि ये अपने प्रोग्राम पाकिस्तान हाउस में किया करें? देखिए, पाकिस्तान हाउस में प्रोग्राम करने के लिए एक प्रोसेस है। जो भी आदमी लेना चाहता है, जो भी एसोसिएशन लेनी चाहती है, उसका एक प्रोसेस है। ये भी आए, जरूर करें, क्यों नहीं कर सकते। हम तो इनके दावत हर वक्त दावत है, जिस वक्त मर्जी आए। पाकिस्तान हाउस के थोड़े चंद अखराज हैं, वो पे करें और जरूर वहाँ पे फंक्शंस करें, क्यों नहीं करते। हम खुद अभी एक फंक्शन किया है, एसोसिएशन ने पे किया है उसका, तो एसोसिएशन ने जब कर सकती है कोई बात नहीं, किसी को नहीं रोकेंगे। मुझे पता है कि PCA के लोग इवन टिकट लेके अंदर जाते हैं, ये मैं जानता हूँ, बिल्कुल मैं जानता हूँ। मगर मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि आमतौर पे बाहर एक लोगों में एक सवाल ये है कि PCA हाउस या पाकिस्तान हाउस को सम टाइम वो कहने लग जाते हैं कि वहां पे PCCA इज नॉट वेलकम। ये क्वेश्चन लोगों के, मैं चाहता हूँ कि आप ऑन कैमरा आज ये मैं पहले कह चुका हूँ कि कोई पाकिस्तानी वहां से मना नहीं है, हर पाकिस्तानी वहां पे आ सकता है। थैंक यू फारूक साहब। Anyway, I think
ये बात तो हो चुकी है कि वो वेलकम कर रहे हैं. आई थिंक इट्स अ गुड जेस्चर एंड इंशाल्लाह वी विल लुक इनटू इट. आई थिंक वी विल डू आवर प्रोग्राम्स इंशाल्लाह करेंगे. वेरी गुड, थैंक यू. मैं ऐड कर दूं तारीफ पे. ये मेरा ख्याल है कि पब्लिक में अनफॉर्चुनेटली एक मिसकंसेप्शन है कि पीसीसीए की कोई मुखालफत है पाकिस्तान हाउस से या पीसीसीए उस वहां जाना नहीं चाहती है. आप लोग गवाह हैं कि जब फंड रेजिंग हो रही थी पाकिस्तान हाउस की अपनी, पीसीसीए वहां पे गई, पीसीसीए ने अपनी तरफ से वहां पे फंड्स लिए. जब किसी भी नेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम आया पाकिस्तान हाउस यूज किया गया, पीसीसीए वहां पे गई. जितने भी अभी पिछले दिनों वहां पे गजल प्रोग्राम था पीसीसीए वहां गई. सो ऐसी बात नहीं है कि पीसीसीए की कोई मुखालफत है पाकिस्तान हाउस से. वो एक कम्युनिटी सेंटर है और जिस तरह ये लोग मेहनत करके उसमें काम करें बहुत अच्छी बात है. हमारे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं अपना 14 अगस्त का प्रोग्राम पाकिस्तान हाउस में करूं, वो मुमकिन नहीं है. उसकी वजह यह है कि ये अपना प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं और बस जो मेरी कम्युनिटी मेरे प्रोग्राम में आती है वो 1200-1500 से ज्यादा लोग होते हैं और वो पाकिस्तान हाउस की कोई जो लीगल है वहाँ पे कैपेसिटी वो इतनी नहीं है कि हम वहाँ पे जाके इतना बड़ा फंक्शन कर सकें. तो अदरवाइज तो हम लेकिन आई थिंक आपकी बात को मैं बड़ा करूँगा. आई थिंक इट्स अ गुड जेस्चर. पीसीसीए कम्युनिटी को एक चीज सोच लेनी चाहिए. मैं आज आपकी इस कैमरा के हवाले से ये बात करता हूँ और आप तारिक साहब आप प्लीज नोट कीजिए कि ये पाकिस्तान हाउस तमाम पाकिस्तानियों का है, पूरी कम्युनिटी का है. आई थिंक अगर ये बात डेवलप हो चुकी है तो हमें ये मान लेना चाहिए, कम्युनिटी को क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए. और मैं इस कैमरे के हवाले से कम्युनिटी से इल्तमास करूंगा कि इसकी जितनी मदद हो सके कीजिए, इसका जो इसका पे ऑफ करना इसको और इसको डेट से निजात दिलाना और इसको एक अच्छी शेप में लेके आना, ये हमारी कम्युनिटी के लिए बायस फख्र की बात होगी. और हम वॉलंटियर्स अगर इसमें कुछ कर सकें तो हम भी करेंगे इंशाल्लाह. लेकिन ये ऐसी कम्युनिटी जो हम पे ये एक बिल्कुल ऐसे ही सोच लेते हैं कि जी ये ऐसे नहीं होगा ऐसे नहीं, वो कुछ कम्युनिटी को भी चाहिए हमारी मदद करें. हमारे अंदर वो डिफरेंसेस नहीं है जो वो ऑटोमेटिकली दिमाग में सोच के क्रिएट कर देते हैं कि वो ऐसा होगा वो ऐसा होगा वो होगा में बाद वो फ्यूचर में चले जाते हैं. तो प्रेजेंट में ये है, प्रेजेंट की जो लीडरशिप है, हम आप कम्युनिटी मेंबर्स को ये सोच लेना चाहिए कि हम जहाँ एसोसिएशन हम बना के अगर बैठे हुए हैं तो हम आपके लिए बैठे हुए हैं. आपको हमसे काम लेना है तो आप हमसे हमारे पास आइए, हमसे काम लीजिए, हम आपका काम करेंगे. आप जिस जगह बुलाएंगे हम वहां जाके आपके लिए काम कर रहे हैं. हम डिफरेंसेस यहाँ क्रिएट करने के लिए नहीं आए हुए हैं, हम एक वॉलंटियर एसोसिएशन है, हमारा काम ही दूसरा है. नेगेटिविटी तो होनी नहीं चाहिए कम्युनिटी में. वेरी करेक्ट. यानी सर मैं एक बात, 1200-1500 आदमी तो हम भी इकट्ठे कर सकते हैं और हमें कहा गया है कि इकट्ठे करो, ग्रैंड ताज में कर लो, क्रिस्टल में कर लो, मगर भाई पाकिस्तान हाउस लिया कम्युनिटी के लिए. अगर उसमें 5 आदमी आएंगे तो फंक्शन हम वहां पे भी करेंगे, अगर उसमें 10,000 भी हम आ जाएंगे तो तब भी करेंगे. हमने ये भी बात की है कि खाना खत्म होता है तो खुद ना खाओ लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा घर है. तो मकसद कम्युनिटी का ये है कि हमने अपने घर में कैसे आना है. अगर हम 1500 नहीं आ सकते भाई पैसे इकट्ठे करो बड़ा लो, मगर अपना हाल लो, अपना पाकिस्तान हाउस लो, बजाय कि आप दूसरी कम्युनिटी के जगह पे जा रहे हो और वहां पे फंक्शंस कर रहे हो. अपना हाल लो, हमारे हाल में आओ. अगर ये छोटा है तो चलो मिलें, पैसे इकट्ठे करें, बढ़ा लेते हैं.